आप सभी को एलएनए दुर्गेश की नोट्स की लगातार तलाश थी और सभी लोगों ने पूछा सर आपकी नोट्स कैसे मिलेगी, आप नोट्स कैसे बनाते हैं या कौन सी किताबें पढ़नी बेहतर होगी, कौन सी किताबें पढ़ी जाएं कि सी टेट और सुपर टेट आसानी से क्वालिफाई कर लिया जाए। तो लगातार मैं भी इसमें और मेरी पूरी टीम इस विषय पर एनालिसिस करने में लगी रही कि आपके लिए सबसे बेहतर नोट्स कौन से होगी। तो आज मैं अपनी नोट्स के बारे में अपनी किताबों के बारे में बताने के लिए वही स्थान का चुनाव कर रहा हूँ जहाँ से मैंने अपनी कोचिंग की शुरुआत की थी। ये वही स्थान है, आप देख लीजिएगा, जहाँ से हमने सबसे पहले अपनी कोचिंग की नींव डाली थी और सबसे पहले शुरुआत किया था। और आज हम उसी स्थान पर आपके लिए नोट्स के लिए हम बताने आए हैं कि कौन कौन सी किताबें हम यूज किए हैं अपने नोट्स को बनाने के लिए। सबसे पहली बात, अब आते हैं हम आपको दिखाते हैं एक एक करके एनसीईआरटी किताबों को, एससीईआरटी, एनसीईआरटी, फिर इसके साथ साथ अन्य कौन कौन सी किताबें हैं जिसका हमने इस्तेमाल करके आज आपके लिए इतनी बेहतर नोट्स बनाने में हमें सफलता हासिल हुई है। वास्तव में आप हमारे नोट्स की लगातार जिस तरह से तारीफ करते आ रहे हैं, जिस तरह से प्रश्नों में जो नोट्स से हमारे पूछे जाने का दौर शुरू है, ये कहीं ना कहीं हमारे मेहनत का और आपके सपोर्ट का सबसे बड़ा परिणाम है। चलिए हम एक एक करके दिखाते हैं। जैसे अगर गणित की बात करें तो गणित के नोट्स को बनाने के लिए आप एक किताबें पहचान रहे हैं, ये एससीईआरटी की होती है जो प्राथमिक कक्षाओं में चलती है। कक्षा 3 की गिनता रहा, 4 की, फिर देखिए अच्छा 5 की गिनता रहा, इसका भी हम लोगों ने बखूबी पूरी तरह से इस्तेमाल किया है प्रश्नों को बनाने में। साथ ही साथ आपको मॉल दिखा दें, इसके साथ साथ हमने गणित के और किताबों का भी यूज किया है। जैसे देखिए ये है, इसकी गणित है विद्यासागर की, फिर अग्रवाल की गणित है, फिर एडवांस मैथ, फिर गणित तार्किक देखिए एक्सीट की है, फिर घटना चक्र की है, फिर यहाँ पे यूथ की कॉम्पिटिशन की आप देख पा रहे हैं जैसा कि आपको ये भी पता होगा, इतनी किताबों से गणित के बाद तब जाके हम आप सब के लिए गणित के प्रश्नों को खंगाल पाते हैं। और साथ ही साथ अब नीचे देख रहे हैं ये पूरी एनसीईआरटी किताबें हैं, एनसीईआरटी किताबें जो आपके जनरल स्टडी माने खासकर आपके सुपर टेट के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये देखिए कक्षा 8-10 की इतिहास, गणित का जादू, कक्षा 4 रेनबो, गणित का जादू, रेनबो, मैरीगोल्ड और जनरल स्टडी के लिए ये हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था आपके लिए ये किताबें। इन किताबों के साथ साथ हमने एक बात का विशेष ख्याल रखा है कि आपके जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए हमने इतने सारे पेपरों का सबसे ज्यादा विश्लेषण किया ताकि हम इस नतीजे पर पहुंच सके आपके लिए कि बेहतर नोट कैसे बनाए जाए। कुछ पेपर आपको दिखा रहे, देख रहे हैं ये पूरा ये पेपर, ये सारे पेपर इसीलिए रखे गए हैं ताकि हम आपके लिए बेहतर विश्लेषण ला सके, किस किस वर्ष में कैसे कैसे प्रश्न कहाँ कहाँ से आया है ये हमारी पूरी टीम आपके लिए सदैव एनालिसिस की। देख रहे हैं ये पूरा पेपर हम एक एक करके आप देखना चाहें तो हम एक एक करके भी दिखा देंगे। देख रहे हैं ये देखिए ये भी पेपर है, पहचान लोगे आप लोग, ठीक। ये सभी पेपर हम आपके लिए इसलिए रखे हैं ताकि जो भी नोट्स बनाया जाए इन पेपरों में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, एक दो नहीं है इतने सारे, मतलब अभी तक जितने भी आपके यूपीटीटी के हुए हैं और सुपर टीटी के तो अभी दो ही हुए हैं, शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा जिसमें एक लिखित थी और अन्य परीक्षाएं थी, ठीक है। पेपर का पूरा पूरा सीरीज हम लोग के पास उपलब्ध है तो देख रहे हैं ये पूरा पूरा हम आपके लिए ये पूरा पेपर सीरीज यहाँ पे उपलब्ध है। और हमारा उद्देश्य ये है, बहुत सारे पेपर हैं, मैंने सारे पेपर का विश्लेषण करके ताकि ये पता चले किस किस ईयर में किस किस टाइप से बहुत सारे देखे पेपर पड़े हुए हैं, किस किस वर्ष में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं, उन विकल्पों का भी विश्लेषण करके हम लोगों ने इस बात का काफी ध्यान रखा है कि इस विकल्प को अगर यहाँ पूछा गया तो अगली बार कहां से फिर प्रश्न बनाया गया। तो फिर लास्ट में एक बात अंतोगत्वा सामने आती है कि प्रश्न को बनाने के लिए जो एग्जामिनर है 25 में से 20 प्रश्न ऐसे बनाए हैं जो पुराने पेपरों का विश्लेषण करके हम आप आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं, किंतु अन्य 5 प्रश्नों के लिए जैसे संस्कृत के लिए देखिए, संस्कृत के सबसे पहले ये राज्य सरकार की बुक का हम ललोगों ने सहारा लिया, देखिए संस्कृत क्वेश्चन है 3 की 4 की, अच्छा 7 की, 5 की, 8 की, फिर इसी तरह है ये संस्कृत की बुक। उसके साथ ही साथ हमने संस्कृत की और भी किताबें
जो मार्केट में आपके साथ उपलब्ध है, जिसमें से कुछ यहाँ पे है, कुछ इस समय जल्दबाजी में कुछ किताबें सेंटर पे छूट गई। जैसे देखिए ये किताबें आप पहचान रहे होंगे, पूजा की जिसको हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, फिर यहाँ से आपके लिए प्रैक्टिस सेट, फिर यहाँ पे हमने योद्ध की, फिर यहाँ पे युद्ध की, फिर ये वर्ती का सरकार की, इन सभी किताबों का इस्तेमाल करके हम लोगों ने आपके लिए संस्कृत में अन्य दो तीन किताबें और हैं जिनका प्रयोग करके हमने आपके लिए नोट्स बनाने का पूरा प्रयास किया। अंतोगत नोट्स लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है, बस एक या दो दिन में संभवतः कल से उन सभी व्यक्तियों को जिन्होंने नोट्स के लिए सबसे पहले हमारे पास ऑर्डर लगाया था उनके लिए और आपके लिए भी नोट्स लेने के द्वार खुल जाएंगे और नोट्स आपको इन नंबरों पर संपर्क करके प्राप्त हो जाएंगे जो आप सामने आपके लिखा है और साथ ही साथ आपके कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब चलते हैं पर्यावरण, जो हमारी खुद की स्ट्रांग पॉइंट है, पर्यावरण मैथमेटिक्स जो खुद मैं पढ़ाता हूँ, मैं दुर्गे जायसवाल आपको, और आपको ये भी पता है कि मैं किस तरह से इन्वायरमेंट का सेक्शन आपको पढ़ाता हूँ। इन्वायरमेंट के लिए देखा जाए तो सबसे ज्यादा इन किताबों का हम लोगों ने सहारा लिया है। इन किताबों से पहले मैं आपको बता दूँ कुछ यूनिक किताबें जो इसका इस्तेमाल हमें सबसे पहले आपको करना चाहिए। ये है कक्षा 5 का हमारा परिवेश जो राज्य सरकार द्वारा है, ये किताबें कक्षा 3 की, कक्षा 4 की और ये सभी कक्षा 6, 7, 8 की वो किताबें हैं जिनका प्रयोग हम लोगों ने क्या किया, आपके नोट्स बनाने के लिए किया है ताकि आपके जो प्रश्न पूछे जाए वो बाहर से ना आने पाए और हर जगह से जरूरी नहीं सारी चीजें मिल जाए, एक एक पॉइंट को उठा उठा के हम लोगों ने उसका विश्लेषण किया है। इस बार हमने पूरा प्रयास किया है कि हम प्राइमरी के साथ साथ आपको अपर प्राइमरी और सुपर टेट के भी नोट्स उपलब्ध कराने का हद तक प्रयास करें। उसके लिए यहाँ पे देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर का भी कुछ, इकोनॉमी, मॉडर्न इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर ये पर्यावरण की इनकी किताबें या किताबें और पर्यावरण की है, इसके साथ साथ कक्षा मारी, इन सभी के साथ साथ हम लोगों ने अन्य सभी किताबों का पूरा पूरा ख्याल रखा जो आपके सामान्य अध्ययन के रूप में यूज किए जा सकते हैं। जैसा कि आप ये क्रम से देख सकते हैं ये सभी किताबें, इसकी जरूरी नहीं है ये किताबें आपके लिए हो, इसमें से बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसका उपयोग केवल हमने अपने लिए पढ़ने के लिए किया है, लेकिन हमने जैसे ये देखिए नजदीक आई आप हम आपको दिखाएं, जैसे प्रश्नों का विश्लेषण करने के लिए हमने लगातार हर परीक्षा में जो जो प्रश्न पूछे गए इनका भी हम लोगों ने पूरा पूरा विश्लेषण किया और विश्लेषण करने के बाद हम लोगों ने इस नतीजे पर पहुंचे कि जो प्रश्न पूछे गए हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, और इसलिए हम लोगों ने पूरी जान लगा दिया है अंतोगत आपको सिलेक्शन तक पहुँचाने के लिए। ये रहा इन किताबों की बात, और आगे बताएं इस बार हमने आपको अपर प्राइमरी के लिए मैंने पहले बताया हमने पूरा प्रयास किया, इसके लिए हमने एनसीईआरटी का पूरा पत्र, एनसीईआरटी राज्य सरकार की जो कक्षा 10 की इकोनॉमी है, इसके साथ साथ अन्य सभी किताबें आपके सामने आएंगे क्रम से लगी हुई, इन सभी का विश्लेषण करने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। मेरा मतलब ये था कि कोई भी किताब अपने आप में पूर्ण है नहीं, इसके लिए हमको आपको इस बात का विश्लेषण करना होगा कि क्या इतनी किताबों को पढ़ा जाए। हमने आपके लिए इन किताबों को इसलिए हम आपके सामने लेकर आए हैं ताकि आप और हम ये बातें जान सकें कि कहाँ कहाँ से पढ़ा जाए, क्या क्या पढ़ा जाए जिसमें हम परीक्षा में जल्दी से जल्दी सफलता के और नजदीक पहुंचे। पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें हैं, अब हम बाल विकास की विश्लेषण करते हैं। देखिए इसको हटा देते हैं, ये किताबें भी आप लोग देख लीजिएगा, ये सभी किताबें हम आपके लिए लेकर आए थे क्योंकि मेरा ये उद्देश्य था कि हम इस बात को जरूर ध्यान दें कि प्रश्न की प्रारूप कैसे बनते हैं और उसमें हमारा और आपका क्या योगदान होगा। ये देखिए बाल विकास की एक गाइडर की किताब हमें मिली है, ये लुसेंट के है आप पहचान लोगे अच्छी खासी, फिर ये गंगा प्रकाशन की है ये भी आप अच्छी तरह से पहचान, देख रहे हैं पूरी तरह से कलर हुई, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने केवल आपको किताबें दिखाई, पूरी पूरी तरह से कलर की गई है, मैंने हर एक लाइन एक एक पॉइंट को हम लोगों ने उखाड़ उखाड़ के निकाला है कि जो आपके परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, शायद आप देख पा रहे होंगे, देख रहे हैं मैंने ये हम लोगों ने नहीं किया है कि बस किताबों के आपको दर्शन करा दिए जाए और आप ये जान जाए कि नहीं नहीं ये तो केवल किताबों का एक बड़ा जमावड़ा है, मतलब हम लोगों ने पूरा पूरा प्रयास किया है कि ताकि आपको एक बेहतर चीजें उपलब्ध कराई जा सके। ये हो गया, फिर ये प्रैक्टिस सेट हो गई, फिर यहाँ पे देखिए ये भी देखिए
ये भी बाल विकास शिक्षण किए और ये तो मैथमेटिक्स किए हैं, ठीक, जिसका हम लोगों ने पूरा पूरा उपयोग किया है। और UPTT बाल विकास अग्रवाल की ये भी हमने रखी हुई अपने पास। और देखिए ये किताबें भी, देखिए इसका भी हम लोगों ने पूरा पूरा यूज किया है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक आपके लिए हमारे लिए बेहतर है, कौन कौन से टॉपिक उठाई जा सके, देख रहे हैं सब उसको कलर कर दिया गया पहले से ही, ताकि देख रहे कलर किया गया है ताकि आपको पढ़ने में और हमें पढ़ाने में और यहाँ प्रैक्टिस सेट निकालने में, देखिए ये बाल विकास की प्रैक्टिस सेट है। साथ ही साथ देख रहे हैं ये भी पूजा प्रकाशन की है, मोहित तेजस सर की है, ये भी किताबें हमने, मतलब कोई बाजार किताबें ऐसी नहीं है जो, देखिए बाल विकास इनकी भी हमने ले रखी है, इसकी यूथ पब्लिकेशन थी, माने हम सभी किताबों को अपने पास संग्रह किए हैं। ये देखिए NCERT है, अच्छा बारह देख पा रहे होंगे आप, ठीक, ये NCERT है, ठीक, कितने की, ये एक अच्छा 12, 11, 2, 11 की लिखेंगे तभी होगी, हम आपको दिखाते हैं, ये एक अच्छा 11 की NCERT, मतलब यह पूरा जमा वाला आपके केवल केवल बाल विकास के पोषण के लिए है, जिससे एक बेहतर नोट्स बनाने का हम लोगों ने पूर्ण प्रयास किया है। और उम्मीद भी यही है कि अंतोगत्वा हम इसमें सफल भी रहे, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने केवल जो नोट्स दिखा दिए गए हैं जो बन नहीं पाए, वे पूरी तरह से बनकर तैयार भी हो गए, मतलब आप टेम्परेचर देख सकते हैं तापमान कितना है। उसके बाद जरूरी नहीं कि सभी नोट्सों का उपयोग किया गया, जहां से जो जो बिंदु अच्छे लगे उन बिंदुओं का हम लोगों ने समावेशन किया। अब उसके बाद हिंदी की बारी आती है, हिंदी के लिए भी हम लोगों ने पूर्ण प्रयास किया, उसके लिए सबसे ज्यादा हम लोगों ने जो CBSE बोर्ड में किताबें चलती हैं उसका सबसे ज्यादा हम लोगों ने उपयोग किया, देखिए पूजा की हिंदी है ये, फिर जूत की हिंदी है, घटाचक्र की हिंदी है, इसके साथ साथ अभी दो तीन किताब ऊपर रखी हुई है जिसमें हरदेव बहरी मिल जाएंगे, PM पांडे हैं उनकी भी मिल जाएगी आपको, साथ ही आदित्य प्रकाशन की आई अच्छी किताबें आपको पता ही होगी। तो उन सभी किताबों को मिलाकर हिंदी और इंग्लिश का भी इसे कहीं दबा होगा, और साथ ही साथ अच्छा प्रैक्टिस सेट बताना भूल गए, चलिए अच्छा इसको हटा देते हैं, आपको हिंदी की सीरीज असल जल्दबाजी में बना, इसलिए हम सारी किताबें आपके सामने नहीं ला पाए, कारण क्या है कि ये यहीं पे नोट्स यहीं पे बनती है, क्योंकि उसका जो एनालिसिस होता है इसी जगह होता है, इस वजह से हम लोग सभी जगह जाकर आपको किताबें नहीं दिखा पाए। अब एक और चीज़ हम आपको दिखाते हैं, प्रैक्टिस सेट, ये प्रैक्टिस सेट में प्रारंभिक अपर प्रारंभिक की अरिहंत की हमने दो किताबें ले रखी है, कहीं ना कहीं से आप परिचित जरूर होंगे। फिर हमने इसकी प्रैक्टिस सेट लगी रखी है, इसकी यूथ की है ये, फिर ये अग्रवाल की है, फिर ये अक्सीड की है, माने हमने कहीं नहीं कुछ छोड़ा है जहां से स्टार लगा कर भी अपने आप में बचा जा सके। ये देखिए शिल्पी की प्रीवियस ईयर पेपर था वो भी हमने उठा लिया, मतलब हमारा उद्देश्य है कि जब तक प्रश्नों का विश्लेषण नहीं करेंगे, देखिए सहायक अध्यापक के लिए यूनिक को भी हमने नहीं छोड़ा, प्रैक्टिस सेट इसमें भी है, ये अब तो जानते हो कि पिछली बार अच्छी प्रैक्टिस सेट आई थी टोह नाम से, वो भी आपके सामने ही है। तो ये भी देखिए है जहाँ सारी, मतलब हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि आप जब हमसे जुड़े तो आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसीलिए हम लोग जल्दी ही आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेकर आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य है अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो अंतोगत्वा आपको लक्ष्य तक जरूर पहुंचाए। उसके बाद एक चीज छोटी सी मिस कर दी गई हम लोगों ने इंग्लिश की, और इंग्लिश के साथ साथ हमने उन सभी कोचिंग संस्थाओं के नोट्स अपने पास मंगा के रखे हैं जो कोचिंग संस्थान अपने आप में अपने आप को अव्वल कहलाते हैं, मतलब जिनके जो जो भी नोट्स कोचिंग के हमारी तरह मार्केट में अपनी नोट्स को उतारते हैं उन सभी के नोट्स को हम यहाँ पे ला के दिखे, उन सभी के नाम तो नहीं दिखा पाएंगे कि हम किसी का फ्री में एडवर्टाइज नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको इतना दिखा देंगे कि देखिए ये नोट्स हैं। हम लोगों ने कह रहे पूरा पूरा प्रयास किया है कि किसी भी कोचिंग के जो भी नोट्स मार्केट में उन सभी को हम लोगों ने लाया है अपने पास, जिसका एकमात्र देख रहे पूरा एकदम भरा पड़ा हुआ है। इन सभी नोट्स को लाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य था कि हम लोग कहीं ना कहीं आपकी जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा कर सके। और आपको दिखा दें हमारे करंट अफेयर भी लगातार लिखा जा रहा है, देख रहे हैं ये पूरी करंट अफेयर की ये भी नोट्स, मतलब साथ ही साथ आपको ये हैंड रिटन नोट्स भी हम लोग पूरा पूरा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं जो डेली इस समय तैयार हो रहा है आगामी सुपर टेट के लिए, ताकि जब आप सुपर टेट देना चाहें तो आपको करंट अफेयर अन्य सभी विषयों के नोट्स आपको ना मिल पाए। ऊपर आपको बंडल दिखाई दे रहा होगा,
ऊपर जो हैंड रिटन नोट्स का एक बंडल सामने पड़ा हुआ है, मतलब ऊपर रख दिया गया है ताकि जरूरत पे उन बंडलों का इस्तेमाल हम अपनी और आपके नोट्स के लिए कर सकें, क्योंकि उसे टाइप करानी पड़ती है। तो हम लोगों का काम है, जो यहाँ पे पूरी टीम हमारी काम करती है, वो आपके लिए इस नोट्सों में से बेहतर कलेक्शन ढूंढने का एकमात्र सदैव कार्य करती है। तो आप अगर ये पूछेंगे कि सर मैं कौन सी बुक पढ़ूं, तो शायद मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मैं आपको कौन सी बुक बताऊं जो आपके परीक्षा के लिए बेहतर है। इस वीडियो को यदि आपको लगे नहीं वास्तव में यह वीडियो किसी के लिए, तो यह वीडियो अनलिमिटेड शेयर करिएगा, जितना हो सके फेसबुक व्हाट्सएप अन्य जगह शेयर करिएगा। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम में इन सभी नोट्स के पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम में इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, माने आप सर्च करिएगा दुर्गेश सर DURGESHSIR, जैसे दुर्गेश सर सर्च करेंगे इलेनी में दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको ऑनलाइन नोट्स के लिए 6306344367 बोर्ड पे नंबर आपको नजदीक से दिखा दिया जाएगा अभी, और फिर ये नंबर ये मेरा नंबर है, ये लास्ट का जो नंबर है ये मेरा, यहाँ से आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस नोट्स और सभी चीजों प्रैक्टिस सेट सभी चीजें आपको यहाँ से उपलब्ध करा दी जाएंगी। और साथ ही साथ आप हमारा खुद का, आपने इसे देख लिया होगा, हमारे पास खुद का मेरा एप्लीकेशन आ गया है जिसका नाम है इलेनी विद दुर्गेश, मतलब यह इलेनी विद दुर्गेश। आप किसी भी जगह सर्च करेंगे इलेनी विद दुर्गेश, फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश, ट्विटर इंस्टाग्राम हर जगह आपको उपलब्ध है। अब हम आते हैं नोट्स के लिए, तो ये नोट्स आपको आपके घर तक भेजा जाएगा, जिसके लिए हमारी ये पूरी टीम आपके लिए सक्रिय है, क्योंकि नोट्स आज जाके पूरी तरह बनकर तैयार हुआ है, कल से इसकी डिस्पैचिंग शुरू होगी, माने कल से ये आपके दरवाजे के लिए रवाना होना प्रारंभ हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि आप इतनी किताबों को न पढ़कर उसका कुछ निचोड़ शास्त्र पढ़ना चाहते हैं, तो आपका इलेनी बुद्धदेश में मोस्ट वेलकम है। आइए आप और हमारे द्वारा बनाए गए जो नोट्स है, हमारी पूरी टीम का मेहनत है, केवल अगर मैं अकेला कहता हूँ तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी होगा जिन्होंने इतनी मेहनत की है, तो कहीं ना कहीं हम सभी का योगदान रहा, लेकिन उसमें आज जो सामने बैठे हैं अभिषेक जी, इनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है इसमें, खासकर संस्कृत के कलेक्शन करने में इन्होंने सबसे ज़्यादा संस्कृत और हिंदी के कलेक्शन का सबसे ज़्यादा, और फिर मुन्ना है, ज्योति मैम, कीर्ति मैम, अमित सर, और फिर उससे भी ज़्यादा अगर संस्कृत में देखा जाए तो संस्कृत में हमारे जो सर थे साथ, आप उनको परिचित होंगे, उन्होंने सीटेट में आपको पढ़ाया था, तो और उनके साथ साथ सुनील सर, ये सभी जो हमारी पूरी स्टाफ है, इन्होंने हमारी पूरी फैकल्टी ने हमारी पूरी पूरी हेल्प की है ताकि हम आपके लिए एक बेहतर नोट्स उपलब्ध करा सकें। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें और आपको ये बातें घर करती हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, तो पढ़ने का झंझट खत्म, हम आपको सॉलिड मैटर लेकर आए जिससे आप पढ़े और पढ़कर आप UPTT सुपर TT हंसते हंसते पार करके अपनी एक सीट सहायक अध्यापक का आसानी से रिजर्व कर सके। तो फिलहाल के लिए आज हम आपको अपने नोट्स अवगत करा दिए, लेकिन आप टेलीग्राम ऐप पे जरूर जुड़िएगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर इलेनी विद दुर्गेश, वहाँ पे आपको हमारी प्रैक्टिस सेट, हमारे नोट्स के कुछ पेजेस आपको लगातार मिलते रहेंगे, और ये नंबर आपको शायद भविष्य में काम आ जाए, ये नंबर आपको बोर्ड पे लिखे हैं, इसे आप एक बार अपनी कॉपी पे अपनी डायरी पर नोट कर लीजिएगा। और हमारे नोट्स में सबसे ज्यादा योगदान इन सभी का, खासकर संजीव सर और सुदर्शन सर संस्कृत के लिए, और बाकी जो भी टीम है सभी ने मेहनत किया, और खासकर आज हम उस लायक खड़े हैं इसमें सभी प्रशिक्षुओं का भी सबसे बड़ा योगदान है, जिसमें अगर हम नाम लेंगे तो कहा छूट न जाए, लेकिन इन सभी साथियों का, चाहे राजबसु जी की बात करें, चाहे हम राकेश जी की बात करें, ऋषभ जी की बात करें, राजू जी की बात करें, चाहे मतलब सुमन और रजत, यहाँ तक कि जो अभिषेक जी हैं, अभिषेक ने, और मतलब इतने नाम हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं, और अभी हाल ही में अभिषेक तिवारी जी हैं, उनका सबसे ज़्यादा अहम रोल रहा है कि हम आपके लिए बेहतर नोट्स उपलब्ध करा सकें। साथ ही हमने ये देखा जितने भी दो वर्ष प्रशिक्षण है जिन्होंने लिया है, उन सभी ने मेरा पूरी तरह से सपोर्ट किया है, वरना आज हम उस लायक न होते कि हम आज आपके सामने खड़े हो पाते और आपको ये बता पाते, मतलब इतने चेहरे हैं, मतलब इतने लोग हैं जो हमारे साथ खड़े हैं कि नाम लेते समय खुद भूल जा रहे हैं किनका नाम ले किन कौन छोड़ जाए, तो यह है। लेकिन एक बार हम आपको आज में दिखाएंगे, ये हमारा पेपर जो आप देख पा रहे हैं, और एक शख्स का, और हम आपको मुलाकात कर लेते हैं, जल्दी वो आपके बीच आ रहे हैं, ठीक। तो
अमित सर ये भी लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, मतलब कितना टाइम हो रहा है घड़ी का इस समय कहना मुश्किल है, रात कितनी हो रही है, हाँ लेकिन गर्मी कितनी है यह कहना बहुत बड़ी बात है कि पसीना जो हो रहा है इस बात से आप समझ सकते हैं कि कितनी रात हो गई है, मतलब रात तो हो गई गर्मी कितनी है इससे आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन हम अब अपना कष्ट देंगे और हाँ अमित सर भी बताएंगे कि इंग्लिश के नोट्स में कितनी मेहनत की गई है और नोट्स कहाँ कहाँ तक पहुँच गए हैं और बस बारी है आप तक पहुँचने की, लेकिन आप तक नोट्स पहुँचेगा इसे और दूर तक मत पहुँचेगा, अपने तक सजोए रहिएगा और हाँ इन सभी किताबों को ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। अगर हमारे नोट्स नहीं लेते तो NCERT की SCERT किताबें जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जब साक्ष्य के रूप में हम बात करते हैं, जब प्रश्न गलत होते हैं उस समय PNP पे जो हमारे साक्ष्य मांगी जाती है वो यही के साथ चाहिए, NCERT के साथ चाहिए, तो उसके लिए हम सदैव आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आपने देखा है जब भी प्रश्न पत्र पेपर होते हैं उसके बाद जब प्रश्नों की साक्ष्य देने की बारी आती है सब लोग हाथ खड़े कर लेते हैं, लेकिन इन लेनी पर दुर्गेश की पूरी टीम आपके साथ है थी और रहेगी, तब तक रहेगी जब तक आप अंतिम रूप से चयनित न हो जाए, हर एक प्रशिक्षु जब तक अंतिम रूप से चयनित न हो जाए, शायद अध्यापक न बन जाए, तब तक हम साथ हैं थे और रहेंगे। आप इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करिएगा ताकि हर एक व्यक्ति जान सके नोट्स बनाने के लिए कितनी किताबों की जरूरत पड़ती है, वो किताबों का कलेक्शन मैंने आपको दिखा दिया, ये तो नमूना भी यहाँ पे थी जिस कोचिंग में खड़े हैं अभी, संस्था पे ऑफलाइन वहाँ पे मेरे घर पे अलग, मैंने हर एक जगह किताबों का बड़ा जमा बड़ा मिलेगा। लेकिन इसी के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने इतनी देर तक वीडियो देखा, मिसर कुछ कहना चाहेंगे, कहेंगे कुछ तो अमित सर की भी अपनी कुछ बातें कहना चाह रहे हैं आपसे। हाय फ्रेंड्स, मैं भी जैसा कि आप लोग हम लोग जानते हैं, देखिए हम लोगों ने इतनी मेहनत की आप लोगों के लिए, तो नोट्स को लेकर मैं एक बात कहूँगा कि जो हम लोग नोट्स दिन रात मेहनत करके बना रहे हैं तो आपके पास तो पहुँच जाएगा, लेकिन हम लोगों की ये हमारी टीम से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस नोट्स को किसी को शेयर नहीं करिए, क्योंकि यदि आप किसी को ये नोट्स शेयर कर देते हो फिर नुकसान आपका होगा, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है यार कि आप पढ़ोगे उसको दोगे, जितना आप पढ़े उतना वो भी पढ़ा है, तो कंपटीशन में सिलेक्शन उसी का होगा जो ज़्यादा पाएगा। तो मेरी यही राय है कि हम लोगों का मेहनत जो है जाया नहीं जाए, हम लोगों का जो मेहनत है दिन रात इकट्ठे करके, ये सारी बुक्स आप देख रहे हो, हम लोग दिन रात मेहनत करके नोट्स बना रहे हैं, तो इस नोट्स में ऐसा क्या है हम आपको बताना चाहूँगा, ये जो नोट्स हम लोग बना रहे हैं इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग एकदम काट छाँट के बना रहे हैं, इससे बाहर तो कुछ आ ही नहीं सकता, ये हम लोगों का दावा है कि जो हम लोग नोट्स बना रहे हैं इतने मेहनत से बना रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आएगा ये 101% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इससे बाहर एक भी सिंगल प्रश्न नहीं आएगा, अगर आता है तो एक आध दो प्रश्न आ सकते हैं जो करेंट टाइप के बनेंगे वो आ सकते हैं, बाकी जो सारा का सारा क्वेश्चन रहेगा वो हूबहू हो सकता है, हूबहू हो सकता है, देखिए मैं कह रहा हूँ हूबहू हो सकता है, हालांकि वो आपके अंडरस्टैंडिंग की बात होगी कि आप प्रश्न को पढ़ पा रहे हो कि नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं सर आपका प्रश्न एकाग्र ऐसा नहीं मिला, हाँ रहता है यार थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, वो दूसरे भाषा में घुमा के कहता है और हम लोग सीधी भाषा में सामान्य तरीके से प्रश्न बना देते हैं, तो ठीक है कुछ नहीं, सारा का सारा प्रश्न आएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बस एक ही काम करिएगा आप लोग घर पर बैठ के तैयारी करिए अच्छे से करिए और नोट्स किसी को शेयर नहीं करिए। लेकिन नोट्स शेयर न करने का मामला ये है कि हम लोग बार बार मना इसलिए करते हैं कि जब नोट्स को शेयर करते हैं उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, आप जब व्हाट्सएप खोलते हैं फेसबुक खोलते हैं तो बहुत सारे नोट्स पड़े रहते हैं, लेकिन उस नोट्स की जो वैल्यूएशन होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, माने जो इतने दिन की जो मेहनत है जब इस तरह एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में वायरल होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आपने कभी देखा है किसी ने व्हाट्सएप के मैसेज को पढ़ा है या व्हाट्सएप के नोट्स को पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। कारण क्या होता है? उनका बस एक ही सूत्री कार्यक्रम होता है, इस ग्रुप से उस ग्रुप, उस ग्रुप से उस ग्रुप। तो मैं नहीं चाहता आप मेरे द्वारा दी गई जो मेहनत की बनाई चीजें हैं वो अपने आप तक रोक के पढ़कर रखेंगे तो शायद हमारा और आपका दोनों का जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए जिन्होंने हमारी संस्था ज्वाइन नहीं किया, जो कहीं और पढ़ रहे हैं, तो आप 1000 रुपए लगा के जो फॉर्म भरते हैं उतनी लागत में कितनी किताबें खरीदते हैं आप? 2-3 हजार रुपए की किताबें खरीद लेते हैं तब जाके आप पढ़ पाते हैं। आज हम आपके साथ हैं, हम अपने नोट्स के साथ हैं ताकि आप थोड़ी सी मदद अगर करेंगे तो यह नोट्स आप तक पहुंच जाएगा, घर बैठ के अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करिएगा और अगर जिंदगी इंग्लैंड बननी होगी तो कोई माइकल आप रोक नहीं सकता, लेकिन हाँ अगर
हम लोग की पूरी मेहनत के बाद ही अगर जिंदगी न्यूजीलैंड जैसी बननी होगी तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आपकी मेहनत में जज्बे में जान होगा तो सफलता आपके कदमों में जरूर झुकेगी। इसलिए आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।